तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आई होप आप सभी ने जेईई मेंस दे दिया हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस दिए होंगे। पता है कि इनके रिजल्ट बहुत होंगे, ठीक है, 0 परसेंटाइल होंगे, किसी के 1 परसेंटाइल होंगे, किसी के 7 परसेंटाइल होंगे, किसी के 8 परसेंटाइल होंगे, किसी के 20 परसेंटाइल होंगे, किसी के 25 परसेंटाइल होंगे। तो उन बच्चों को घबराना नहीं है, ठीक है, उन बच्चों को एकदम नहीं घबराना है। उन सबको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, सबको कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है। कितने परसेंटाइल रहने पर आपको कॉलेज मिलेगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है ना, तो अगर आपके 8 परसेंटाइल भी है, 2 परसेंटाइल भी है, 1 परसेंटाइल भी है, तो आपको ईजिली बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 1 परसेंटाइल है और आप चाहोगे कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 परसेंटाइल पे आपको इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, ईसीई मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है। अगर बिहार इंजीनियरिंग में अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, तो आपको 35 परसेंटाइल से ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। 35 परसेंटाइल से अगर आपके ऊपर है, तो आपको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा आराम से। अगर आपके 35% से नीचे है, तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फिर ईसीई ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिविल और मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आपको 35% से ऊपर चाहिए, ऊपर लाना होगा, ठीक है। तो अगर आपके कम परसेंटाइल है, 10 से कम परसेंटाइल या 35% से कम है, तो आपको उसमें कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। अगर उतने कम परसेंटाइल है, तो आपको बिहार के नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे, जो हाल फिलहाल में एस्टेब्लिश हुए हैं, जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि यार मेरे इतने कम रैंक है, तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँ, एक साल ड्रॉप ले लूँगा। नहीं, ये सब गलती नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जितने भी नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं ना, वहाँ पर टीचर्स अच्छे हैं। सारे कॉलेजेस में, जितने भी 38 कॉलेजेस हैं, सारे जगह पे बीपीएससी के थ्रू टीचर्स आए हैं, तो टीचर्स में कोई कमी नहीं है। अब आप किस तरीके से पढ़ोगे, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और कॉलेज भी बहुत अच्छा है, जितने भी नए नए कॉलेजेस खुले हैं। अब देखो, हर एक नया नया चीज़ को उभरने में टाइम लगता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्लेसमेंट सारे कॉलेजेस में है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मेरे 0 परसेंटाइल है, मेरे 1 परसेंटाइल है, तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। आप सभी को कॉलेज मिलेगा। और हाँ, जिन बच्चों को काउंसलिंग करवाना है, प्लीज़ आप सभी जल्दी लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैंने पोस्टर जारी कर दिया अपने चैनल पे, तो जिन बच्चों को करवाना है, प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन बच्चों को काउंसलिंग करवाना है, वो गूगल फॉर्म ज़रूर भरना, ठीक है, गूगल फॉर्म फिल ज़रूर करना। तो आप सभी को समझ में आ गया कि अगर आपके 10 परसेंटाइल भी है, 10 से कम परसेंटाइल भी है, तो आपको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा इजी वे से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।